इस असेंबली की मियाद है 24 जून 2020। अब 24 जून से पहले मैं तो हुकूमत मुस्लिम लीग की हुकूमत का तो मैं हिस्सा तो नहीं हूँ, मैं कैबिनेट में नहीं हूँ, लेकिन ये लोगों के मैंडेट के खिलाफ एक कार्रवाई है कि उसके अख्तियार को सीज कर दिया। जब आप अख्तियार को सीज करते हैं, शेर किले का पुल बन के तैयार है, फतह करने के लिए कोई नहीं आ सकता है, किसी चपड़ासी का तबादला ये नहीं कर सकते हैं, तो 50 अरब रुपए के बजट पेश करने का अख्तियार किसने दिया इनको, किस हिसाब से दिया? बजट जिसने बनाया है वो पास करेगा, जिनके पास अख्तियार है वो पास करेंगे। मैं अवाम का नुमाइंदा होते हुए मैं अवाम के साथ धोखा नहीं कर सकता। और दूसरी अहम बात यह है कि आम माशरे के अंदर ये लिखा हुआ और पढ़ा, आप सारे लोग यही लिखते हैं और समझते हैं कि ये असेंबली रबर स्टैंप है, आज साबित कर रही है ये असेंबली की ये रबर स्टैंप है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप भाई, और रबर स्टैंप होने का सबूत है, एक स्कीम किसी से मांगा नहीं गया है, पहले की तमाम स्कीमें सबको हेल्ड किया गया है और इनको कहा गया है जनाब अली कि आपके सन 19-20 के जो है ना उस पर काम नहीं हो रहा है, तो 20-21 पर काम ये असेंबली क्यों करे, हम क्यों पास करें बजट, और किसी का बनाया हुआ तो रबर स्टैंप आज साबित हुआ। इसलिए मैं इस रबर स्टैंप का हिस्सा न पहले था न अब हूं, वैसे भी तो मैं हुकूमत में नहीं हूं, अपोजिशन में होते हुए भी मैं इनके सपोर्ट में यह बात कर रहा हूं। एक्चुअल बायकॉट मेरी जगह मुस्लिम लीग नून को आज वजीर आला और उसको काबिना को करना चाहिए था, जो कि एक बहुत ज्यादा जो है पब्लिक के साथ एक गद्दारी कर रही है।